हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं आज आपको यहाँ पे सोल्डरिंग के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बेसिक है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करना कैसे करना है और सही तरीके से कैसे करना है ये आपको बताऊंगा। बहुत से लोग हैं जिन्हें आज तक सोल्डरिंग नहीं करने आती है, और या तो फिर नए जो कॉलेज में लोग हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, या तो कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज में, तो उन्हें भी सोल्डरिंग करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज सोल्डरिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूं। और ये मैं एक पीसीबी, एक आपको मैं एक पीसीबी दिखा रहा हूं। ये एक जर्नल बस पीसीबी है। जैसा कि मैं वाटर लेवल बनाता हूं, तो वाटर लेवल का ये एक पीसीबी है। इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये आईसी का सॉकेट लगा हुआ है, ये मेरा कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर है, और ये मेरा पावर रेगुलेटर आईसी है, और ये मेरा डायोड है। ये सोल्डरिंग कैसे करेंगे वो बताता हूँ। देखिए, ये पीसीबी का कंपोनेंट साइड है। इसमें लिखा, इसमें सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सा कंपोनेंट लगाना है। तो मैंने थोड़ा कुछ कंपोनेंट लगा दिए हैं, और ये मेरा सोल्डरिंग साइड है। ठीक है, तब करना क्या है, जैसे आपने कोई भी कंपोनेंट लगाया, जैसे मैं ये कंपोनेंट लगाया, समझिए ये सब मैंने कंपोनेंट लगाया है, तो इसके जो लेग है ना, उसके इसको नीचे से ऐसे दबा के और इसके लेग को थोड़ा बेंड कर देना है। बेंड इसलिए करना है कि बेंड करने पे क्या होगा, थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस करने पे ये होगा कि ये इसका जो लेग है वो इसका जो फिटिंग है, कंपोनेंट साइड की जो फिटिंग है वो अच्छे से हो जाएगी और ये लूज नहीं होगा। और सोल्डरिंग करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप पंखे को बंद रखें तो बहुत ही बढ़िया है, या तो फिर पंखा स्लो रखिए, एकदम स्लो रखिए, इससे ड्राई सोल्डरिंग नहीं होगी और आपकी सोल्डरिंग हो जाएगी। अब करना क्या है हमें, अब कोई भी कंपोनेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पे जो आपका सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन वो कम से कम जितने समय के लिए रहेगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा समय के लिए रहेगा उतना खराब है। क्योंकि जितना, अगर ये जैसे अपना ट्रांजिस्टर है, अगर ये ट्रांजिस्टर के लेग पे आप ज्यादा टाइम तक ये सोल्डरिंग आयरन रखेंगे तो क्या होगा, हीट उसका ट्रांसफर हो जाएगी और ये ट्रांजिस्टर उड़ने की आशंका रहती है, ट्रांजिस्टर जल जाएगा। तो वैसे ही हर एक कंपोनेंट का रहता है कि हर एक कंपोनेंट में जितना जल्दी हो सके आपको वो सोल्डरिंग करके उसे हटाना है। अब करेंगे कैसे ये देखिए, जैसे ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन की टिप यहां पे होनी चाहिए, ये ऐसे दिख रहा है आपको, कैसे रखा हूं मैंने, देखिए ध्यान से देखिए, ये मैं ऐसे रखेंगे और उसके बगल से, ठीक उसके बगल से फ्लक्स वायर रखेंगे। मैं आपको एक करके दिखाता हूं कैसे करना है। ये मेरी फ्लक्स वायर है, सोल्डरिंग वायर। तो अब कैसे करना है देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने टिप ऐसे क्रॉस में रखी, ये कोई भी ये पकड़ लेता, ये मैं टिप ऐसे क्रॉस में रखी, रखने के बाद इसे मेल्ट करना है, थोड़ा सा जब मेल्ट हो जाए तो दोनों एक साथ उठा लेना है। ठीक है, देखिए कैसे, ये ऐसे रखना है और इसके ठीक बगल से, इसके बगल से मतलब सोल्डरिंग आयरन पे इसको थोड़ा मेल्ट करते जाना है। जैसे ही थोड़ी मेल्ट हो जाएगी तो इसे दोनों एक साथ उठा लेना है, सोल्डरिंग आयरन भी उठा लेना है और सोल्डरिंग वायर भी उठा लेना है। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, देखिए ये ऐसे मैंने किया और उठा लिया। ठीक है, वैसे ही आपको थोड़ा देर तक रखना है, उठा लेना। अगर नहीं, सोल्डरिंग नहीं हो पा रही है तो थोड़ा थोड़ा रुक जाइए, फिर थोड़ा वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद फिर से सेम प्रोसीजर कीजिए, थोड़ा रखने के बाद वापस उठा लीजिए। जैसे मैं भी वही कर रहा हूँ, ये सेम प्रोसीजर करते जा रहा हूँ। देखिए, दिख रहा है आपको सोल्डरिंग हुई है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे अभी यहाँ पे नहीं हो पा, अगर नहीं हो रही है तो उठा लीजिए, कोई बात नहीं, अगर एक पहली बार में नहीं हुई तो दूसरी बार में होगी, लेकिन सोल्डरिंग आयरन हटा लीजिए कंपोनेंट से, तो उससे क्या होगा कि वो कंपोनेंट जो है आपका खराब नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। तो अभी फिर से मैं करते हैं सोल्डरिंग। ठीक, देखिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, ये आप जितना करेंगे उतना आप प्रोफेशनल बनते जाएंगे, मतलब जितना सोल्डरिंग करेंगे उतना अच्छा, हर बार उससे अच्छा करते जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये सोल्डरिंग कर दिया, ये तीन सोल्डर किया हुआ है, यहाँ पे दो सोल्डर किया हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको इसे सोल्डर करके बताते जाता हूँ कि सोल्डर कैसे सोल्डर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने कुछ कंपोनेंट जो लगाए हुए थे ये वाले, ये मैंने सोल्डर कर दिए, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, सोल्डर दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, ये वाला ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, हाँ ऐसे सोल्डर। और एक 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 चीज ध्यान दीजिएगा सोल्डर करते समय कि आपका ये दोनों लेग आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक,
जैसे मैंने यहां पे ये भी कर दिया, ये ट्रांजिस्टर था, मैंने ट्रांजिस्टर भी कर दिया है, और ये मेरी आईसी है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी आईसी का सॉकेट है। कभी भी बोर्ड पे, कभी भी जो अपना बोर्ड होता है, इसको बोर्ड बोलते हैं, सोल्डरिंग आई कंपोनेंट साइड है, जो कंपोनेंट साइड है, तो कभी भी आप सर्किट बोर्ड पे अगर आईसी लगाएंगे तो उसे डायरेक्ट मत लगाए। डायरेक्ट करते समय क्या होगा, हो सकता है आपका आईसी कभी फॉल्टी हो जाए, सोल्डरिंग करते करते फॉल्ट हो जाए, उड़ जाए, तो आपको रिप्लेस करने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आप ये इस प्रकार का सॉकेट मिलता है मार्केट में, आप पहले सॉकेट लगा लीजिए और सॉकेट सोल्डर करने के बाद उसके ऊपर आप ये आईसी लगाइए। उससे क्या होगा कि कभी अगर आप सोल्डर करते समय अगर आपकी आईसी खराब भी हो गई, तो खराब होने की वजह से क्या होगा, वो निकालने में उसे आसानी होगी, आप कितने बार भी उसे बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा सॉकेट लगा के ही आईसी लगाइए, ठीक है। तो मैं ये सॉकेट लगा रहा हूं, अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है सॉकेट लगाते समय, क्योंकि ये नया रहता है, इसलिए जल्दी लगता नहीं है, तो थोड़ा उसका लेगा, एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद देखेंगे तो आराम से लग जाएगा वो, ठीक है। मैं अभी लगा रहा हूँ, एडजस्ट ही कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेगा एडजस्ट करने में, लेकिन ये एडजस्ट हो जाता है, और हर एक लेग ऊपर आना चाहिए, इसका ध्यान में रखिए, हर एक लेग सोल्डरिंग साइड में उसका हर आईसी की हर एक लेग आनी चाहिए। ऐसा ऊपर से थोड़ा दबा देता हूं, ठीक है। देखिए इस साइड उसकी सब लेग आ गई है, क्या दिख रही है, आ गई है। अब क्या करना है, सोल्डरिंग करते समय पहले क्या कीजिए, आईसी कभी भी आईसी सोल्डर करते वक्त आप ना पहले इसका कोई भी एंड, मींस ये एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड ये कर दीजिए, पहले सोल्डर कर दीजिए, या तो ये वाला एंड कोई भी लेग इसके पहले सोल्डर कर दीजिए, और यहां पीछे से इसे दबा के, क्योंकि अगर आप दबाएंगे नहीं तो ये इस प्रकार से लूज हो जाएगा, तो इसलिए इसे पहले पीछे से दबा के रखिए, फिर थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लीजिए इसके ऊपर, सोल्डरिंग आयरन पे लगाने के बाद इसे थोड़ा सा हल्के हाथ से ऐसे कर लीजिए, तो इससे क्या होगा आपका कि ये सॉकेट जो है फिट हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। अब ये मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, थोड़ा बाद में इसे अच्छे से कर लेंगे, लेकिन पहले अब वो दो मार्क करके रख देते हैं, जिससे वो शॉर्ट हो गया। निकल भी गया वो, निकल शॉर्ट जो होता है निकल जाता है, तो आप पहले इसे ऐसे अच्छे से, ठीक है, मैंने मार्क कर लिया, अभी मेरा ये फिट हो गया एकदम राइट। और फिर से वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए, जैसे सोल्डर करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे किया जाता है, तो उसी सेम उसे यहां पे ऐसे रखना है, आपको दिख रहा है यहां पे ऐसे रखना है, और ऐसे थोड़ा सा मेल्ट करना है, उठाना है, फिर यहां पे रखना है थोड़ा सा मेल्ट और रिमूव, खाली इतना ही ध्यान रखिएगा कि ये शॉर्ट नहीं हो जाए, बस आराम से करते रहिए, जितना आप करेंगे उतना आप में प्रोफेशनली आप अच्छे होते जाएंगे। आयरन रखने के बाद, ऐसे आयरन मैं रखता हूं, तो इसके बाद इसके कहीं भी यहाँ ये एंड पे कहीं भी सोल्डरिंग वायर को मेल्ट कीजिए, और उसको एक साथ उठाना है, बस यही करना है, बाकी इसमें कुछ टेक्निकल नहीं, इसमें इतनी कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं रहती है, आराम से। और आपने सॉकेट लगाया है ना, तो इसे आप थोड़ा सा टाइम देके भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉकेट होने की वजह से आईसी तो है नहीं, लेकिन ज्यादा देर तक मत रखना, ज्यादा देर रखने से क्या होगा, इसका आईसी अगर नहीं है तो भी क्या नहीं है तो अभी भी ट्रैक उड़ने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए मैंने ये कर दिया है राइट। अब यहाँ पे एक बार इसे देख लेते हैं कि इसमें कुछ शॉर्ट तो नहीं हुआ ना, इसमें कुछ शॉर्ट नहीं है, ये मेरा आईसी हो गई है, और ये काला फ्लक्स लगा हुआ है काला, इसे आप निकाल दीजिए ऐसा, ठीक है।
तो ये मेरी आईसीबी शोल्डर हो गई अच्छे से, आईसीबी अच्छे से यहाँ पे एकदम फिट है, आईसी शोल्डर किया मैंने। ये कंपोनेंट भी मैंने कुछ यहाँ पे कंपोनेंट थे वो कंपोनेंट भी शोल्डर किया। इस तरीके से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ कि किस प्रकार से इसे शोल्डरिंग किस प्रकार से की जाती है। और आप करते रहेंगे, जितना आप शोल्डरिंग करेंगे उतने अच्छे से आपसे उतनी प्रोफिशिएंसी उतना अच्छे से होते जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया वीडियो अच्छा लगा और आपने इससे कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।